मलिक साहब, आपने अपनी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत जो करी वो कॉलेज से शुरुआत जी आप अध्यक्ष बने जहाँ पढ़ते थे और चौधरी चरण सिंह साहब के टच में आए। चौधरी साहब का कैसा व्यक्तित्व था और आपकी पहली मुलाकात उनके साथ कैसी रही? वो तो बहुत बड़े आदमी थे। मेरी पहली मुलाकात तो उनसे कई बार हुई भिन्न भिन्न मामलों में। तब मैं मेरठ कॉलेज का प्रेसिडेंट था, लेकिन जब मैं कॉलेज छोड़ रहा था, दैट इज 1973, तो उन्होंने मुझे बुला के और ये कहा कि देखो सतपाल, मेरे 33 MLA मुझे बिट्रे कर गए हैं और ये पार्टी मैंने किसानों की बनाई थी, मेरा कहना मानो तो इसे संभाल लो। मुझे बहुत इमोशनल होकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, और अगर तुम्हारी यस है तो अभी जाओ और वो है जिम खाना में मेरी मीटिंग है शाम को, उससे पहले जाके अनाउंस कर दो और किसी से मशवरा मत करो। तो मैं उसमें इतना इमोशनल हो गया, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया और मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अगले दिन से मुझे बुला कर सारी पार्टी की कमान सौंप दी, संगठन का वो बना दिया जनरल सेक्रेटरी, और मुझे बुला के बागपत से लड़ने के लिए, लोग टिकट मांगते मैं मना कर रहा था, ज़बरदस्ती लड़ाया, और चूँकि वो 3 बार उस सीट को हार चुके थे, खैर मैं लड़ गया, रिश्वत के पास मैं जीत गया, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। ओके सर, उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? वो तो हुआ ये कि जब अजीत सिंह जी आ गए तो मैं उनके साथ था, तो चौधरी साहब ने मुझे बुला के एक दिन कहा कि बेटा, मैं ये कहना नहीं चाहता था, पर्सनल बातें हैं, कि मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें पार्टी से निकालूंगा या तुम छोड़ जाओ। और अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, अजीत सिंह की चुके फैमिली ने उन्हें ये समझा दिया कि एक ही जिले से हैं, ये भी पढ़ा लिखा है, वो भी पढ़ा लिखा है, लोग इसकी तुलना करेंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा अजीत सिंह कभी। तो मैंने कहा साहब, मैं तो कमा खा लूँगा, कहीं कोई नहीं बात। उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं खुशी खुशी बाहर आ गया। एक हफ्ते बाद यारिफ भाई मेरे यहाँ आए, दोस्त थे मेरे बहुत अच्छे, मुझे लेके गए अरुण नेहरू के पास। अरुण नेहरू सैंडविच खा रहे थे, मुझे याद है, उन्होंने कहा छोड़ो सतपाल भाई, ये पार्टी हम 3-4 दोस्त मिलके चलाएंगे, इसमें आ जाओ। तो मैं चला गया।